तो दोस्तों, इस समय भारत के द्वारा अपने हितों को सुरक्षित रखने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, परंतु भारत के इस फैसले से पश्चिमी देशों समेत अरब के देशों को बड़ी मिर्ची लग सकती है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने हित वाली है और भारत सबसे पहले अपने हित के बारे में सोचता है। साथ में यदि कोई हमारे साथ उल्टा सीधा काम करता है तो भारत जैसे को तैसा करने से भी पीछे नहीं हटता। और अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि भारत ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए पहले भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, फिर चीनी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन भी लग गया और भारत ने अभी गैर बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था। और इस सब के पीछे कारण यह था कि भारत के अंदर खाद्यान्नों के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और भारत सरकार का मानना है कि भारत के उगाए गए खाद्यान्नों पर पहला अधिकार भारत की जनता है, इसलिए भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय जनता के लिए भरपेट भोजन उपलब्ध हो, उसके बाद में ही हम दूसरे देशों को खाद्यान्न एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी बात को देखते हुए भारत सरकार ने अब बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। और एक प्रकार से इसको आप प्रतिबंध नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत ने यह कहा है कि हम बासमती राइस का एक्सपोर्ट तो करेंगे, परंतु उसी बासमती राइस का एक्सपोर्ट होगा जिसकी कीमत $1200 प्रति टन से ज्यादा है। और जो भी चावल $1200 प्रति टन से सस्ता है वो भारत के अंदर ही रखा जाएगा, ताकि सस्ते दामों के अंदर भारतीय जनता को चावल उपलब्ध कराया जा सके। दरअसल अगस्त यानी इसी महीने में क्या हुआ कि भारत का जो बासमती राइस है उसकी प्राइस एवरेज $360 से $1200 प्रति टन तक रही है, यानी ₹29 प्रति किलो से लगाकर ₹100 प्रति किलो। परंतु जिन देशों में भारत का चावल बिकता था और गैर बासमती राइस के एक्सपोर्ट बैन के बाद उन देशों ने भारत का बासमती राइस तो खरीदना स्टार्ट किया, परंतु सस्ते दामों वाला, जिससे भारत के यहाँ पर सस्ते दामों के अंदर चावल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी कारण से भारत ने फैसला लिया कि अब दूसरे देशों को हम जो भी चावल बेचेंगे उसकी कीमत $1200 प्रति टन यानी ₹100 पर केजी से ज्यादा ही होनी चाहिए और उसी चावल को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल में भारत ने अपनी जनता के हिसाब से क्या सही कदम उठाया, इस प्रकार का कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस जगह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।